अरे भाई साहब खेल तो उठाइए, इधर भाई बहन उठाओ, इतने अब नीचे करो। होली अभी 3 मिनट में बंद कराता हूँ, अगर होली मैंने आज बंद करा दी फिर तो समझोगे कि प्रोग्राम परिवर्तनशील है। 3 मिनट में बंद करा देता हूँ, ये मेरी गारंटी है। सुनिए, अब मुझे बताइए कि होली में 4-5 पॉइंट है कि होली रात को ही क्यों जलाती है, जलाई जाती है 8-9 बजे के बीच में, क्यों जलाते हैं? होली के दूसरे दिन धूल क्यों उड़ाते हैं? होली पर बहनें अपने भैया को टीका क्यों करती हैं? होली पर एक दूसरे को होली के जो चिता लगती है, होली में जो जलाते हैं उसमें 7 या 10 प्रकार का ईंधन लकड़ी क्यों लगाई जाती है? इसका जानकारी आपको शायद नहीं है, और जबकि ये यूपी में होना चाहिए क्योंकि होली का इतिहास आपके यूपी का ही है। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, हरदोई लगभग 70-80 किलोमीटर होगा, इतना ही है। ये होली का इतिहास आपके हरदोई जिले का है, और मैं तो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर हूँ, फिर भी मुझे आपके क्षेत्र का इतिहास पता है और आपको पता नहीं। तो सुनो, ध्यान से सुन लो और लिख लो कि आज के बाद कोई भी होली नहीं खेलेगा, मेरी गारंटी है। अगर मैंने बंद करा दी होली तो फिर आप मानोगे कि प्रोग्राम परिवर्तनशील हुआ है? मानोगे? कौन कौन मानेगा, हाथ उठाइए। तो देख लीजिए आज ये खेल, क्या होली अगर आप मेरे बंद ना करा पाए तुम्हारी, तो आज के बाद गाथा करना और प्रोग्राम करना मेरी गारंटी। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि अगर मैंने बंद ना करा पाई तो आज के बाद हमें गीत भी नहीं गाएंगे, कहीं भी नहीं गाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनो, मेरी बहन बेटियों, मेरी माता वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, और मेरी माता बहनों तुम सब जानती हो कि जो सुंदर महिला सुंदर बेटी होती है उससे मोहल्ले की अन्य बेटियां और अन्य महिलाएं जलन और दुश्मनी करती हैं। ये बात सही है कि नहीं? इधर ब्राह्मण भाइयों की कुछ बेटियां थी जो हमारे चमार राज हिरण्यकश्यप थे, उनकी बहन सिंहिका की सुंदरता को देख करके ब्राह्मण भाइयों की बेटियां दुश्मनी और जलन पैदा हो गई, और उन्होंने अपने भैया से कह दिया, भैया जिस दिन ये लड़की बर्बाद हो जाएगी उस दिन हमारे सीने में ठंडक पड़ेगी। मेरे भाइयों ध्यान रखना, ये पक्की बात है, एक अक्षर भी इसमें झूठा नहीं है, और झूठा साबित करने वाले को मुंह मांगी इनाम दी जाएगी, और मुझे वो जेल करा देने तैयार हूं अगर झूठी बात हो तो। सुनो जरा ध्यान से, दूसरा दिन पूर्णमासी थी, और पूर्णमा को दिन राजा हिरण्यकश्यप बौद्धिष्ठ राजा थे, इसलिए पूर्णमा के दिन ही वो अपनी बहन की शादी करना चाहते थे। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हो रही थी उस लड़के का नाम था एलोही, उसकी बारात आना बाकी थी एक दिन बाद, और इधर राजा हिरण्यकश्यप के 5 पुत्र थे, सिंहराज हिंगराज और प्रहलाद और 2 और थे, लेकिन प्रहलाद जो था इसको ब्राह्मण भाइयों के लड़कों ने अपने चंबल में फंसा लिया, अपना मित्र बना लिया और इसकी गंदी आदतें कर दी, चोरी जुआ शराब मांस और अय्याशी, ये 4-5 अवगुण उसके अंदर डाल दिए। ये लड़का चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, अय्याशी करने लगा, मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, तो राजा हिरण्यकश्यप ने समझाया कि बेटे हम बुद्धिष्ट हैं और बुद्धिष्टों के घर में ये नहीं होता सब कुछ जो तुम कर रहे हो। ये लड़का नहीं माना तो राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। अब ये लड़का स्वतंत्र हो गया, इसके ऊपर किसी की अंकुश नहीं रही, किसी की डांट फटकार नहीं रही, लड़का और बिगड़ गया। ये लड़का ब्राह्मण भाइयों के लड़कों के साथ अपना मित्र बन के और जंगल में रहने लगा। बोले तथागत भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। अपनी आवाजें बंद कर दो, मुझे सुन लो, अगर होली बंद करनी है तो। जंगल में रहने लगा। दूसरे दिन ए माता बहनों पीछे वाली बैठो पीछे, ऐसे जाने को फैक्ट्री बंद हो रही तुम्हारी। ये 600 किलोमीटर का आदमी आ डाला, मुझे रात निकलना है 12-2 बजे, तुम्हें तो अपने घर पे जाना है। 14-15 घंटे में हम घर पहुंचे, एक हाथ में थाली भोजन की, अपने भैया पहला अपने भतीजे पहला को भोजन कराने के लिए गई। मेरी माता बहनों बता देना चाहता हूं कि होली रात में ही क्यों जलाई जाती है। अब सुनो जरा ध्यान से, ये सिंह का अपने पहला भतीजे को भोजन कराने के लिए गई, हाथ में थाली थी और हाथ में कुछ पैसे थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप कभी भी प्रहलाद को पैसे नहीं देते थे क्योंकि वो बिगड़ चुका था लड़का। ये लड़की चोरी चोरी कुछ पैसे ले गई, हाथ में भोजन ले गई और जाकर के प्रहलाद के सामने कहा कि बेटा ए मेरे भतीजे, ले मैं तेरी बुआ आ गई,
भोजन कर ले। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, वो भतीजा, वो पहलवान बेहोश हो चुका था, शराब में धुत हो चुका था, उसे नहीं पता था कि मेरी बुआ आ गई है। और तब तक वो सात लड़के ब्राह्मण भाइयों के जो शराब पी के मदमस्त हो गए थे, उन्होंने देखा कि जवान लड़की, सुंदर लड़की अकेली रात को 8 बजे जंगल में आई है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। पहला तो बेहोश हो गया, इन सातों के सातों दरिंदों के शरीर के अंदर शैतान जा गया और बेटी का हाथ पकड़ा। अब बताना चाहता हूं कि होली रात को क्यों जलाई जाती है? तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तुम्हारा शरीर कांप जाएगा, इतना दर्द रात इतिहास हमारा। हमारी बेटियों के साथ ये हुआ, वो बेटी चिल्लाती रही कि भैया मैं तुम्हारी बुआ जैसी हूँ, जैसे पहला मेरा भतीजा, तू भी मैं तुम्हारी जाति बिरादरी की नहीं हूँ लेकिन गांव की बेटी हूँ, तो गांव की बेटी तो सातों जातियों की बेटी होती है। भैया मैं तुम्हारी बेटी हूँ, भाई बहन हूँ, मेरे साथ अन्याय अत्याचार करने की कोशिश मत करना। ये सातों के सातों दरिंदे, ये शैतान हैवान बन चुके थे, इन सातों के सातों नालायकों ने, हरामखोरों ने, इज्जत के भूखे भेड़ियों ने हमारी उस अकेली बहन को रात को 8 बजे जंगल के बीच जंगल में उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, उसके साथ बलात्कार किया। ये हमारी बहन बेहोश हो गई। फिर इन दरिंदों ने सोचा ये राजा की बहन है, राजा को पता चलेगा तो हमें सूली पे चढ़ा देगा, राजा फांसी पे चढ़ा देगा, तो क्या किया जाए, इसको जला दो, खत्म कर दो। जिस सातों लड़के हरदोई में आए, जो जिलाए हरदोई उसमें आए और जल्दी जल्दी में किसी का खम, किसी की कुर्बानी, किसी की घाट की पार्टी, किसी के हर, किसी का बखर, किसी की पीढ़ी, किसी के कीड़े करने, किसी के सूखे करने, किसी के भिटोरा, ऐसे 7-8-10 प्रकार की लकड़ी लेकर के और रात को 8:30 बजे जंगल में पहुंच गए। उस बेटी को तब तक थोड़ा सा होश आ गया था, इन दरिंदों ने चिता बनाई और लिटी पिटी बेटी को जबरदस्ती चिता के ऊपर चढ़ा दिया, उसमें आग लगाने लगे। हमारी बेटी कहने लगी, भैया हो तुमने मेरे साथ जो भी किया है मैं किसी से नहीं कहूंगी, मैं अपने भैया को भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे जलाओ मत, कल मेरी शादी है, मेरा दूल्हा मुझे ब्याहने आ रहा है, मैं उसको भी नहीं बोलूंगी, मुझे जलाओ मत। इन दरिंदों ने हमारी बहन की एक नहीं सुनी, हमारी जिंदी बहन में आग लगाई। ये लड़की भागने लगी, ये सातों के सातों दरिंदे चारों तरफ लाठी लेके खड़े हो गए, जिधर भी बेटी भागती है उधर से लाठी मारते हैं। और हमारी उस लुटी पिटी बहन को रात को 8:30 और 9 बजे के बीच में बीच जंगल में जला दिया। वो तड़पती रही, इसलिए होली रात को 8 और 9 बजे के बीच में जलाई जाती है, इसका नाम होलिका रख दिया। अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, जिस दिन हमारी बेटी का बलात्कार करके इन दरिंदों ने जलाया हो, क्या उसी बेटी को आज हमें जलाना चाहिए? आया ना हाथ उठा के बताइए, तो हम लोग क्यों जलाते हैं? इसलिए जलाते हैं क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं था। इन पंडित जी ने दूसरी कथा बताई कि होलिका प्रहलाद को लेके बैठी और होलिका पे ऐसा चीर था कि जब तक वो चीर डला रहता आग नहीं लगती, और जैसे पुरवैया हवा चली तो होलिका में से चीर उड़ गया और प्रहलाद के ऊपर गिर गया, तो होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया, क्योंकि प्रहलाद भगवान का भक्त था। इन दरिंदों ने ये कहानी बताई, ये कहानी भी मुझे आती है क्योंकि मैंने भागवत किया। बिल्ली के बच्चे कुम्हार के हवा के अंदर जिंदे निकले, अरे नालायको मेरे सामने बिल्ली के बच्चे ले आओ, मैं दबाऊंगा हवा में, फिर जिंदे निकाल दो, मैं भगवान बुद्ध को छोड़ जाऊंगा, बाबा साहब को छोड़ जाऊंगा, तुम्हारे पत्थर के देवी देवता की पूजा करना शुरू कर दूंगा। अभी क्या हो गया, जब शक्ति दम थी तो अभी भी होना चाहिए। इन दरिंदों ने झूठी काल्पनिक कहानी बना करके हमारे भोले भाले समाज को भगवान बुद्ध और बाबा साहब के रास्ते से भटका दिया और अपने काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा पाठ में लगा दिया, इसलिए हमारी बर्बादी हुई है। इसलिए होली रात को 8 बजे क्यों जलाई जाती है पता चला, ठीक दूसरे दिन धूल क्यों उड़ाई जाती है। फिर उन सातों दरिंदों ने सोचा कि ये लड़की मर गई जल गई, राख इसकी अभी डली है, और राजा को पता चल गया कि राख मेरी बहन की है तो हमें ढुलवाएगा मरवा देगा।
उस समय गए 5-6 बजे और बेटी की राख को लेकर के इधर फेंका उधर फेंका। आज तुम लोग दूसरे दिन अपनी गलियों में जो धूल फेंकते हो, मेरे भाई बहनों, ये तुम्हारे गलियों की धूल नहीं है, ये मेरी उसी सिंह का बेटी की राख है जो उन दरिंदों ने अपने वहां पर गलियों में फेंकी थी। हमें इस राखों को नहीं फेंकते थे। दूसरे दिन ध्वज के दिन बेटी अपने भाइयों को टीका करती है। जब ये सातों के सातों दरिंदे अपने घर पर पहुंचे, उन लड़कियों ने कहा कि आओ भाइयों, आज तुमने हमारे दुश्मन को खत्म कर दिया, आज हमारे दिल में ठंडक पड़ गई, आओ तुम जीत के आए हो, हम तुम्हारे माथे पे विजय का टीका करते हैं। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, उस समय पर जिन बहनों ने अपने भाइयों को टीका किया था वो सभी बलात्कारी भाई थे, इनके माथे पे टीका हुआ। तो याद रखना, आज जो बहन होली के टाइम पे दौज के दिन अपने भाइयों के माथे पे टीका करती है, तो यकीनन तुम सोच लो समझ लो, वो तुम्हारे उस समय पर तुम्हारे भाई नहीं होते, उस समय पर वही बलात्कारी दरिंदे होते हैं। तो जो दौज के दिन अपने भाइयों को टीका करती है वो भाई नहीं होते, वो बलात्कारी होते हैं। तो कौन ऐसी बहन होगी जो अपने भैया बलात्कारियों को टीका करेगी? कोई करेगी क्या? तो आज के बाद दौज के दिन कोई टीका करोगी? हाथ उठा के करो। नहीं। दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर वो लड़का आया, कौन? गांव के पेटीकोट और चुन्नी चुन्नी पहन लिए और घोड़े से उतर गया, गधे पे बैठ गया, अपना मुंह काला कर लिया और झाड़ू सिर पर बांध लिया और पूरे गांव में घूमा, हर कोई शहर में घूमा और चिल्लाता रहा, मैं इस गांव का दामाद हूँ, मैं इस गांव का जीजा हूँ। आज होली के समय पर हम अपने दामाद को चारों तरफ घुमाते हैं, उसका जुलूस निकालते हैं, ये वो दामाद नहीं है, ये वही बेचारा अपनी पत्नी के प्यार में पागल हो गया था, ये वही दूल्हा है। ये परंपरा को, रीति रिवाज को, इस कुरीति को खत्म करिए आप। रंग पंचमी के दिन एक दूसरे को टीका करते होली मिलन समारोह, तुम्हें नहीं पता राजा हिरण्यकश्यप ने ढूंढवाया सातों दरिंदों को और सातों को बुला के अपनी कचहरी में खड़ा किया और इनके माथे पर लिखा 3 अक्षर लिखे अबीर, अबीर, अबीर का मतलब अमाने नहीं वीर माने बहादुर, तुम लोग बहादुर नहीं हो, तुम सातों दरिंदों ने मेरी अगला बहन के साथ बलात्कार किया, उसको जला दिया, इसलिए तुम्हारे माथे पे कलंक का टीका लगाता हूं। और उन्होंने राजा ने लिख दिया अबीर। ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हुई, हिरण्यकश्यप खत्म हुए, बहलोचन हुए, और बहलोचन राजा ने क्या किया, उसने पूरा नहीं लिखा, उन्होंने तलवार से काटा, ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मणों के माथे पे लिखा जाता था, ध्यान रखना, और किसी जाति पे नहीं, क्योंकि इन्होंने ही कुकर्म किया था, इन्होंने ही अत्याचार किया था। और यह परंपरा और आगे खत्म हुई तो सिर्फ ब्राह्मणों के माथे पे रोरी का लाल तिलक करने लगे, लाल तिलक क्यों, क्योंकि खून की निशानी थी। ये परंपरा और आगे गई तो चतुर चालाक ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर ये अकेला टीका अकेले ब्राह्मण जाति को होता रहा तो आगे बाबा साहब के वंशज जब पढ़ लिख जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा विद्वान जरूर पैदा होगा जो इस बात को जरूर पूछेगा कि होली के टाइम पे अकेले ब्राह्मण कोई टीका क्यों करते हैं। जब इसका इतिहास निकलेगा कि अकेले ब्राह्मण को टीका इसलिए करते हैं क्योंकि अकेले ब्राह्मण ने ही हमारी बहन की इज्जत लूटी थी, तो समाज के अंदर हमारी बेइज्जती होगी, हो सकता है हमारे होने वाले आगे भविष्य में बच्चों को मारा पीटा जाएगा। तो इन लोगों ने फिर अपने साथ साथ हमारे भाइयों के बीच में आना शुरू कर दिया और कहने लगे आओ होली मिलन समारोह, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, आओ तुम हमारे माथे पे टीका करो, हम तुम्हारे माथे पे टीका करेंगे। मेरे भाई बहनों, हम समझ नहीं पाए, फिर ये लोग हमारे माथे पे टीका करने लगे, हम इनके माथे पे टीका करने लगे, इसका मतलब कि तू भी बलात्कारी और मैं भी बलात्कार। बताइए क्या हम बलात्कारी, समाज बलात्कारी है? बलात्कारी तो ये दरिंदे थे, लेकिन आज हम सभी बलात्कारी बना दिए, ये खोपड़ी का खेल है, तुम्हारे माथे पे भी लगा दिया वही कलंक का टीका, और हम क्या कह रहे हैं होली मिलन समारोह। होली के टाइम पे सबसे ज्यादा चूहा खेला जाता है, मांस खाया जाता है, अय्याशी होती है, क्यों? ये उसी समय से आई है, इसीलिए मैं कह देना चाहता हूं रात को होली 9 बजे 8 बजे क्यों जलाई जाती, क्योंकि हमारी बेटी के साथ अत्याचार हुआ। अब यहां से वहां तक मुझे हाथ उठा के बताइए, ईमानदारी से कोई कसम नहीं दूंगा, क्या आज के बाद
कोई होली खेलेगा? उठाइए हाथ। ये है परिवर्तन। इसीलिए मैंने कहा कि परिवर्तन करता हूं, और जब परिवर्तन नहीं होता तो मेरा प्रोग्राम करना बंद। आप सभी अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बचा कुचा इतिहास रात को 7 बजे से फिर पढ़ूंगा।